गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपको दिखाई रहे अभी काफी शाम हो चुका है, पसीना पसीना में ह्यूमिडिटी भरा हुआ है, लेकिन एक नया वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। ये वीडियो होगा वीसा टूरिज्म के ऊपर। रिसेंटली मलेशिया का वीसा का अपलोड कर चुका हूँ, अभी आज मैं बताऊंगा आपको इंडोनेशिया की वीसा के ऊपर। मैं इंडोनेशिया और मलेशिया एक ही ट्रिप में करने जा रहा हूँ। इंडोनेशिया में इंडिया का वीसा ऑन अराइवल सिस्टम है। मैं इंडोनेशिया का टिकट और एकोमोडेशन सब कुछ खरीद चुका था, लेकिन वीसा का अरेंजमेंट नहीं किया था, इसलिए क्योंकि मेरा प्लान था वहां पे जाके वीसा ऑन अराइवल लेना। वीसा ऑन अराइवल लेने का ये प्लान तो बहुत अच्छा था, क्योंकि इंडोनेशिया का वीसा और बाली का वीसा एक तो सेम है, एक ही कंट्री है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है किसी किसी का। लेकिन रिसेंटली बहुत जल्दी, मतलब 15 दिन पहले एक नया इन्फॉर्मेशन आया 15 जून को 2023 कि जितना वीसा फ्री ऑप्शंस था वो इंडोनेशिया निकाल दिया है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ गया कि समझना कि वीसा फ्री मतलब फ्री वीसा जिनका था वीसा ऑन अराइवल, जैसे कि ऑस्ट्रेलियंस का, इन लोगों के लिए वीसा फ्री ऑप्शन निकाल के वीसा ऑन अराइवल है या वीसा ऑन अराइवल का सिस्टम ही निकाल दिया है, आपको हर कंट्री को वीसा लेके ही जाना पड़ेगा। कुछ दिनों से बाली में टूरिस्ट को लेके काफी हलचल मच रहा है, काफी रूल्स चेंज हो रहा है, पीपल आर नॉट हैप्पी, सम क्राइम्स हैव हैपेंड। तो इसके लिए मैंने शुरू में तो सोचा था कि वीसा ऑन अराइवल ही लेंगे, क्योंकि ये वीसा फ्री ऑप्शन निकाला है, वीसा तो रहेगा, वीसा ऑन अराइवल तो रहेगा। लेकिन जितना दिन आगे बढ़ रहा है, मेरा जाने की अभी कुछ ही दिन बचा है, 4 दिन है एक्चुअली, मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया कि बाई चांस हो सकता है कि वहां पे गए अकोमोडेशन और सब कुछ खरीद चुके हैं, फ्लाइट वगैरह, फिर जाके देखे कि वीसा सचमुच वीसा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा, क्या होगा, इतना पैसा कहाँ जाएगा और हम क्या करेंगे वो वैकेशन। तो हमने सोचा कि कर ही लेते हैं, बना लेते हैं ई वीसा, इलेक्ट्रॉनिक वीसा सिस्टम। ये 15 जून से किया गया है बता रहे हैं, ये एकदम लेटेस्ट है और इसमें तुरंत आपको वीसा मिल जाए तुरंत। तो आपका एक वेबसाइट मिलेगी जो मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन में, उसमें आपको बहुत सिंपल सा कुछ इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का फ़ोन नंबर सुनने से चलेगा। जैसे मैं दुबई में रहता हूँ, मेरा दुबई का फ़ोन नंबर दिया और किसी फ्रेंड ने इंडिया का फ़ोन नंबर दिया, दोनों को एक ही साथ मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें एक रीसेंट फ़ोटो अपलोड करना है जो यूजुअली 35x55 mm होती है, किसी किसी जगह 50x50 भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं 35x55 पासपोर्ट साइज पिक्चर ही अपलोड किया। अपलोड करने में 2 सेकंड भी नहीं लगती है। ये पिक्चर और डॉक्यूमेंट्स जो मोबाइल या लैपटॉप से आप अपलोड करने जा रहे हैं वहाँ पे पहले से जमा होना चाहिए, पहले से आप उसको सेव करके रखें। उसके बाद आपको आएगी एड्रेस, उसमें भी खास कुछ नहीं है। मैं तो इंडोनेशिया में पहला 2 दिन मैं जहाँ पे रहूँगा उसी विला की एड्रेस लिख दिया और वो एक्सेप्टेड भी हो गई। फिर आएगी आपको पासपोर्ट की फ्रंट पे, जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ इशू ऑफ द पासपोर्ट, ये सब भरना पड़ेगा। तो पहले आप जब उसका फ्रंट पेज को अपलोड करेंगे, उसके बाद ही वो एक छोटा सा पॉपअप आएगी, उसमें प्रीव्यू करने के लिए पूरा डिटेल्स जो आपने पासपोर्ट में लिखा है वही है कि नहीं, ओके कर दे। उसके बाद आपकी ईमेल जो एक्टिव है ये लिखना पड़ेगा, फिर आपको लेके जाएगी एक सेव पोजीशन में, जहाँ पे आप एक बार फिर से चेक कर लेगी सब ठीक ठाक है। सेव करके आप फार्दर डिटेल्स एक ऑप्शन है वहाँ पे आप जाएंगे, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे पेमेंट, पेमेंट में है 500,000 इंडोनेशियन रुपया, दैट इज इक्वल टू 35 US डॉलर्स। आप खाली इंडोनेशियन रुपया एंड डॉलर्स में ही पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड में, तो था तो मैं क्रेडिट कार्ड से अपलोड कर दिया। उसमें आप देखेंगे 19,500 इंडोनेशियन रुपया एक्स्ट्रा लगेगी प्रोसेसिंग फी के हिसाब से। ये चीज़ अगर आप एयरपोर्ट में जाके वीसा ऑन अराइवल में करेंगे तब वो नहीं लगता, इसका वैल्यू आता है 107 रुपीज़, तो 107 रुपया आपका एक्स्ट्रा लगेगा। और 500,000 इंडोनेशियन रुपया जो होती है वो एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 2745 आज की डेट में 27 जून 2023, इसके साथ 107 आप लगा लेते हैं, फिर आप सबमिट कर दें। 3-4 सेकंड के अंदर आप एक मेल आ जाएगी कि आपका वीसा का डॉक्यूमेंट सब कुछ जमा हो चुका है एंड वेरीफाइड हो चुका है एंड अप्रूव्ड भी हो चुका है। तो उसके नीचे ही आप एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी, पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर ले, सेव कर ले, पिक्चर ले ले, बस आपके हाथ में वीसा आ गया, चले इंडोनेशिया हमारे साथ। थोड़ी सी जानकारी और, ये 30 डेज के लिए वैलिड रहेगा जब आप एंट्री लेंगे, उसके बाद
एंट्री के लिए 90 डेज आपको टाइम मिलेगी। 90 डेज के अंदर वीसा इशू होने के बाद आप जा सकते हैं, 30 डेज तक वैलिड रहेंगे जो एक्सटेंडेबल बाय अनदर 30 डेज। और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, एक तो टूरिज्म है, एक है बिजनेस मीट के लिए, एक कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, ट्रांजिट के लिए और भी एक दो चीज़ें हैं। ये थी पूरी जानकारी, बहुत सिंपल है ये। एक्चुअली एक प्री रजिस्ट्रेशन जो होती है ना, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन PAR हांगकॉन्ग के लिए भी था, आपको याद होगा, लेकिन हांगकॉन्ग में इसको वीसा नहीं कहते हैं, यहाँ पे ये लोग इसको वीसा कहते हैं। तो इसमें एडवांटेज जो होगा, सब लोग बता रहे हैं कि बाली में जाके बहुत लंबी सी लाइन लग जाती है, उसमें आपको काफ़ी टाइम वेस्ट होती है। पहले आप पैसे देते हैं पेमेंट की जगह पे, फिर आप जाते हैं वीसा लेने की जगह। और यहाँ पे आपको क्या होगा, डायरेक्टली आप इमिग्रेशन में चले जाएंगे, वो एक QR कोड दे देंगे और फिर आप अंदर चले जाएंगे, बात खत्म। तो ये इजी हो गया। एंड आई वुड सजेस्ट वीसा ऑन अराइवल के बदले में आप ई वीसा सभी लोग ट्राई करें, एक सेकंड की मामला है। मिलते हैं इंडोनेशिया में, मेरे चैनल देखते रहिए ऐसे ताजे खबर के लिए और जुड़े रहिए हमारे हम सफर बन के रहिए, आप भी चलिए हमारे साथ। अच्छा, और एक चीज मैं तो बताने भूल गया, मैं घर आके मुझे रियलाइज हुआ कि ये बताने भूल गया, ये है कि इसके पहले जो वीसा ऑन अराइवल हुआ करता था उसमें आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता था जिसका नाम है साथु से जाते बिले, और मैं दिखा दूंगा। और एक है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो हर गवर्नमेंट से मिलती है सबको, ये दोनों चीज मैंने ले चुका था एंड ऐप में जाके मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एक्रेडिटेड कर लिया था। ये छोड़ के बैंक अकाउंट एंड फंड के बारे में, जब तक आप वहां पे रहेंगे उतना फंड आपके पास है कि नहीं, ये चेक करने का भी एक अनऑफिशियल रिक्वायरमेंट थी, ये भी मैंने अरेंज किया था। लेकिन ये नया सिस्टम में ई वीसा में तीनों चीजें निकाल दिया गया, वैक्सीनेशन एप्लीकेशन एंड फंड, तीनों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं। इसके लिए बेफिक्र आप मस्ती में घूम के आए इंडोनेशिया। गुड बाय।